नेशनल हाईवे और हाईवे पे जो घटनाएं जो घट जाती है और तमाम तरीके की जो घटनाएं होती है, लूट खसात और एक्सीडेंट हो जाती है और मौके पर मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर आज बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अन्य मार्ग से हरी झंडी दिखाकर हाईवे गश्ती गाड़ी 112 को आज रवाना किया है। पूरे 3800 जिला में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तमाम तस्वीर विजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से ये गाड़ी को रवाना किया, साथ में बिहार के डीजीपी आलोक राज भी मौजूद हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बिहार के डीजीपी आलोक राज और यातायात एडीजी सुधांशु कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। एक नई व्यवस्था शुरू की गई है, कितना कारगर होगा और क्या कुछ इससे सेवाएं दी जाएगी। देखिए, मैं आपको आंकड़े की बांधी यदि बताऊं तो नेशनल हाईवे का प्रतिशत पूरे बिहार के रोड लेंथ के तुलना में केवल 3% है, लेकिन यदि हम रोड फैटेलिटीज़ की बात करें तो ये करीब करीब 44% है। तो इसका मतलब ये है कि नेशनल हाईवे पर डिस्प्रोपोर्शनेट दुर्घटना की घटनाएं होती हैं और उनमें फैटेलिटीज़ होती हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसका जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ये पता चला कि वहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं के बराबर है, यानी जो यातायात नियमों का उल्लंघन होता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं के बराबर है। और दूसरी तरफ जो रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी केयर, यानी उस पर रेस्पॉन्स होना, उसको रेस्क्यू करना, फिर उसके बाद उसको ट्रॉमा केयर सेंटर पहुँचाना, इन सब में भी काफ़ी कमियाँ हैं। इस वजह से भी गोल्डन आवर के अंदर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने, रोड सेफ्टी पर एक कमेटी है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऐसे राज्यों की तर्ज पर यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जाए। तो उसमें आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने नेशनल हाईवे पर करीब 4 नेशनल हाईवे के टोटल 1100 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 23 वाहनों का पिछली बार फ्लैग ऑफ कराया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। इस बार करीब 15 NH जो है, जो 19 जिलों में फैला हुआ है, उनका करीब करीब 1900 किलोमीटर पे ये 38 वाहन जो हैं वो उसको कवर करेंगे। ये वाहन वहाँ पे हर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे और मुख्य रूप से वो 3-4 कार्य करेंगे। एक तो यातायात नियमों के विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई होती है वो करेंगे। इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है, रडार सिस्टम से आप 3-4 ऑफेंसेस बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। जो हाई स्पीड है उसका पकड़ा जा सकता है, 3-4 लेन को एक साथ कवर करता है ये रडार सिस्टम। अत्याधुनिक है, इसके पहले हम लोग लेज़र स्पीड कैमरा, यानी एक गाड़ी को फोकस किया तो उसका स्पीड हम लोग जान पाते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाती थी। रडार स्पीड गन की वजह से हम एक साथ 3-4 लेन की हाई स्पीड गाड़ियों को पकड़ सकते हैं, न केवल आगे से आ रही गाड़ियों को बल्कि पीछे से जा रही गाड़ियों को भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग हुआ या ओवरलोडिंग हुआ या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग हुआ, बिना हेलमेट हुआ, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो पकड़े जा सकते हैं। तो हमारा एक ऑफिसर अंदर बैठा होता है गाड़ी में और डैशबोर्ड पर वो इवेंट जनरेट होते रहते हैं, वो उसको वैलिडेट करता है, फिर ऑटोमेटिक फाइन होता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो एक तो मुख्य काम प्रवर्तन का होगा, दूसरा इमरजेंसी रेस्पॉन्स का होगा, वो एम्बुलेंस से टाई अप करके और एम्बुलेंस को बुलाएंगे वहाँ पे और उसको ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुँचवाएंगे। तीसरा जो मुख्य काम होगा कि एक्सीडेंट की परिस्थिति में वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे तो जो घटनास्थल को सुरक्षित रखने की कार्रवाई है वो करेंगे, जब तक कि लोकल थाना ना आ जाए जिनके ऊपर जवाबदेही है इन्वेस्टिगेशन की, तो जो साक्ष्य नष्ट होते हैं वो सब बच जाएंगे। और चौथा जो मुख्य काम होगा वो ये होगा कि साथ जाम की परिस्थिति में ये गाड़ियाँ जो हैं वो जा करके जाम को छुड़ाएंगी नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे पे जो स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट है उसको हम लोग इंश्योर करना चाहेंगे इस माध्यम से। ये 3-4 मुख्य उद्देश्य हैं जिसके लिए इन गाड़ियों को और नेशनल हाईवे पे उतारा गया। तो आपने साफ तौर पर डीजीपी आलोक राज के बयान और एडीजी जो यातायात एडीजी हैं सुधांशु कुमार, उनके बयानों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घटनाएं, तमाम घटनाएं जो नेशनल हाईवे और हाईवे पे जो घट जाती है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हाईवे गश्ती 112 गाड़ी को आज रवाना किया गया। ये जो सुविधा है
ये 3800 जिला में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तमाम तरीके का जो घटनाएं जो हाईवे पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से चोरी हो, डकैती हो, या एक्सीडेंट की घटना हो, या ओवर स्पीडिंग हो, या फिर डबल हेलमेट, या फिर ओवरलोड की भी बात कहें तो उसको लेकर आज बिहार की तरफ से एक बड़ी नई सौगात दी गई है प्रदेशवासियों के लिए। आपने तमाम बातें DGP और ADG के बयानों को सुना। बैरल्स कर इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बन रही है फर्स्ट प्लाट झारखंड पर। मैसेज पटना पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।